हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा मसूद। आज हम चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर फिजिक्स फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस? एक्सरसाइज के, ठीक है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे, तो देखते हैं कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है और हमने कितना कितना लिखना है और कितना कितना एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी इसका, मेरे पास बुक है तो मैं उसे पढ़ता हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉल्यूट, ये चैप्टर का पहला टॉपिक भी है। तो इस चैप्टर के मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक से ही हैं, मतलब कि इनके आंसर्स आपको टॉपिक में चैप्टर के अंदर से ही मिल जाएंगे। कोई की बुक के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान से इनके आंसर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल है नहीं, थ्योरेटिकल ये मोस्टली ज़्यादातर चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताना है बिटवीन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक और सब क्या क्या आ जाएगा सॉलिड्स, ठीक है जी। तो अब डिफरेंस है या इनके दरमियान में हमने डिफ्रेंशिएट करके दे देना है। तो सबसे पहला क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन क्या होंगे? ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनके अंदर आपको पता है हर चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से, ठीक है। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आइंस होंगे। तो इसके अंदर पार्टिकल्स में क्या होगी, एक पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है जी। तो होगा क्या कि इसके अंदर ये देखो, अगर मैं इसे बनाता हूँ तो पार्टिकल्स में क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट। लेट्स सपोज ये जो सर्कल्स हैं ये पार्टिकल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इनके अंदर पार्टिकल्स में क्या होगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी, बॉन्डिंग बनी होगी, ठीक है जी। और इसके साथ ही इधर सॉरी पार्टिकल में अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और एमॉर्फस, ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो ये उल्ट होंगे किसके, क्रिस्टलाइन के। आपको कहे जी नो रेगुलर अरेंजमेंट, किनकी अरेंजमेंट, जिस चीज़ से ये चीज़ मिलके बनी है वो चीज़ क्या होगी आपके पास, वैसे बात है पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। कोई इधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, ठीक है। तो ये कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। ये कौन से होंगे, एमॉर्फस सॉलिड। इनका एक और नाम भी है, इनको दूसरे नाम में हम बोलते हैं ग्लासी सॉलिड्स। क्या नाम है जी, जो ग्लास है ना वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, तो इसलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, ग्लासी सॉलिड्स। थर्ड है जी पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक क्यों होंगे, इन बिटवीन, इन बिटवीन किसके, क्रिस्टलाइन के एंड पॉली सॉरी एमॉर्फस के, ठीक है जी। अब इन बिटवीन का क्या मतलब बना, होंगी भी नहीं भी होंगी, क्या होगा कि अगर आप इसको जूम करके देखोगे, ठीक है, जूम करके देखोगे तो आप देखोगे छोटे लेवल पर, छोटे छोटे जगह पर आप देखोगे इसके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसे बड़े लेवल पर देखोगे तो इसके अंदर अरेंजमेंट नज़र नहीं आएगी, आपको ऊबड़ खाबड़ सा नज़र आएगा। जैसे कि आप एक छोटी कॉलोनी को देखते हो तो उस कॉलोनी के अंदर ना छोटे छोटे घर बड़े रेगुलर पैटर्न पर बने होते हैं, ऐसे जो स्ट्रीट्स होती हैं वो ऐसे बिल्कुल बराबर जा रही होती हैं, घर बराबर। लेकिन अगर आप ऐसा होल ऊपर से आसमान से उसका व्यू लो पूरे शहर का, तो आप देखोगे अरेंजमेंट उल्टी सीधी है, कोई घर किधर है, कोई कैसे है। तो सेम पॉलीमेरिक में, पॉली का मतलब होता है जी मैनी, पॉली का मतलब होता है जी मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। क्या होगा कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा, हर यूनिट खुद क्रिस्टलाइन होगा, लेकिन जब वो यूनिट काफ़ी ज़्यादा दूसरे अपने जैसे यूनिट से मिलता है तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर को एमॉर्फस बना देता है, इररेगुलर सा बना देता है। तो ये कौन से सॉलिड होंगे, ये पॉलीमेरिक सॉलिड होंगे। अब रही इसकी बात, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसके डायग्राम में क्या होगा कि जैसे ये अब अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हो तो अरेंजमेंट इधर भी है अरेंजमेंट। लेकिन होगा क्या कि आप छोटे लेवल पर देखो तो आपको अरेंजमेंट एक नज़र आ रही है, लेकिन जब आप एज अ होल देख रहे हो तो आपको किसी किस्म की अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही है, पॉलीमेरिक हो जाएंगे, ठीक। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक बहुत अच्छी खसूसियत है कि इनको जब इनका मेल्टिंग पॉइंट आता है ना तो ये शार्पली मेल्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक किलो की वैल्यू पड़ी है, इसकी एक किलो का ये पड़ा हुआ है, जैसे NaCl है नमक एक किलो, तो जब इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो एक का एक किलो पूरा मेल्ट होगा, ये नहीं कि पहले कुछ मेल्ट होगा फिर बाद में। एमॉर्फस ऐसे नहीं करते, एमॉर्फस क्या करते हैं, कुछ पिघल देगा कुछ पड़ा होगा,
फिर कुछ पिघल जाएगा, फिर कुछ पड़ा होगा। यानी कि ये सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के दौरान में एक इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, पेस्ट जैसे होती है इस तरह, ठीक है। तो ये एमॉर्फस होंगे, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होंगे। पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक क्या है कि पॉलीमेरिक आपके पास एमॉर्फस की तरह ही बिहेवियर, उसकी तरह ही एमॉर्फस की तरह बिहेवियर देते हैं, यानी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो नहीं करवाते। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर आ जाता है जी आपके पास NaCl, जिंक, इनके स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास आ जाता है जी ग्लास, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। इसके अंदर आ जाता है जी आपके पास PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपके पास ये शापर वगैरह पाइप होते हैं, या आपके पास सिंथेटिक रबड़ हो, ये रबड़ शबड़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर था 1। तो इसे आपने चूँकि शॉर्ट में लिखना है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या डिमांड करता है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इधर पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड व्हाट आर देयर एसे यू नो डिफरेंशिएट बिटवीन टेंजाइल कंप्रेसिव एंड शेयर मोड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है जी। स्ट्रेस एंड आपने स्ट्रेन बताना है। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है ये देख लेते हैं जी। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस को हम ऐसे सिग्मा से जाहिर करते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है जी फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया, एफ ओवर ए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आपके पास, स्ट्रेन, स्ट्रेन इसको एप्सिलन से जाहिर करते हैं, ये किसके बराबर होता है, चेंज ओवर ओरिजिनल, ठीक है जी। अब चेंज ओवर ओरिजिनल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास लेंथ है, तो लेंथ के लिहाज से चेंज क्या होगा, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास स्ट्रेन। अच्छा, इसके यूनिट क्या बनेंगे, इसके यूनिट इधर से आपको नजर आ रहे हैं, इसके न्यूटन और मीटर स्केयर, तो क्या बनेंगे, न्यूटन मीटर स्केयर। न्यूटन मीटर स्केयर के आपको पता है ये दूसरा, इसको पास्कल भी कहते हैं, तो इसके वैसे ऐसे यूनिट क्या होंगे, न्यूटन मीटर स्केयर। पास्कल चूंकि प्रेशर का, इसलिए हम लेंगे नहीं, लेकिन हम इनसे बोलते हैं, ठीक है। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, मीन्स के दिस इज रेशियो एंड रेशियो हैज नो यूनिट, इसका मतलब है कि स्ट्रेन के किसी किस्म के यूनिट नहीं होंगे। स्ट्रेस क्या है कि कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया के ऊपर, तो देखो ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अब ये सिर्फ इतने एरिया पर जो फोर्स लग रही है ये होगा स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा कि अगर मेरे पास ये रबड़ है, ये 1 मीटर की रबड़ थी, या लेट्स सपोज ये 1 सेंटीमीटर की रबड़ थी, तो मैंने इसे खींचा, वो होगी 1.1 सेंटीमीटर, तो जो ऊपर चेंज आया है वो आया 0.1 डिवाइडेड बाई 1, वो क्या कहलाएगा, इसका स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर वो पूछ रहा है कंप्रेसिव जो है आपके पास स्ट्रेस, और उसके बाद शेयर मोड्स ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड अच्छा स्ट्रेन। तो ये हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है कि भाई फोर्स ओवर एरिया, ये खत्म हो जाता है। स्ट्रेन की हमारे पास आ गई थी 3 टाइप्स, ठीक है। एक टाइप मैं इधर लिखता हूँ टेंजाइल स्ट्रेन, ठीक है जी, और दूसरी लिखता हूँ आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और थर्ड पे मैं लिखता हूँ आपके पास शेयर स्ट्रेन, ठीक है जी। अब होती क्या है, सबसे पहले है जी आपके पास टेंजाइल स्ट्रेन। टेंजाइल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है जी, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये आपके पास होगा टेंजाइल स्ट्रेन, ठीक है जी। मैं TS लिख देता हूँ इधर से, और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक क्या होगा, VS क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, नाम से पता लग रहा ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर मॉडल, शेयर स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है आपके पास एंगल, ठीक है, ये कितना चेंज हो रहा है कितने पे। अब ये एंगल थीटा ये होता है जी चेंज ओवर ओरिजिनल। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर था, इसकी ये 2 दीवारें ऐसे थी, तो मैंने क्या किया, मैंने ये दीवारें ऐसे थी, तो मैंने ये दीवारें थोड़ी सी टिल्ट करवा दी, तो ये जो एंगल का चेंज आ रहा है, ये यानी कि शेप में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाता है आपके पास, शेयर स्ट्रेन। तो चूंकि सारे स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन के आपने को बताया कि रेशियो और रेशियो के कोई यूनिट नहीं होते, इसका मतलब है इन सब के भी यूनिट नहीं होंगे सिवाय स्ट्रेस के, ठीक है जी। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शो दैट द यूनिट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर सेम, आल्सो डिस्कस 3 काइंड्स। सबसे पहले है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या चीज़ है मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, ठीक है, ये हुक्स लॉ से हमारे पास आता है, जिसके मुताबिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये आ गया सिग्मा, इधर आ जाएगा इक्वल और इधर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इधर आ जाएगा स्ट्रेन। ये जो कॉन्स्टेंट है इसको मैं बोलूंगा ई, तो ई यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ये जो ई है, इस ई का नाम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, तो इसकी रेशियो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट विद इन दी इलास्ट प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। यहाँ तक आपके पास आ जाता है ये इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसकी तीन टाइप्स क्यों बनेंगी, कैसी बनेंगी, तीन टाइप्स बनेंगी, तीन शेयर वो तीन किस्म के स्ट्रेन की वजह से। तो तीन टाइप्स मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले ये आपके पास यंग्स मॉडुलस, ठीक है, दूसरी आपके पास बल्क मॉडुलस, और तीसरी आपके पास शेयर मॉडुलस। तो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स ना आपको की बुक से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज इसकी रहेगी यूनिट, यूनिट क्या है कि आपको पता है ये आपके पास स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के यूनिट क्या थे, न्यूटन मीटर्स के, और स्ट्रेन के 9 यूनिट, तो इसका मतलब है कि इसके यूनिट क्या बने, न्यूटन मीटर्स के। क्या ये वही हैं जो स्ट्रेस के थे, हाँ जी ये वही हैं, तो इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, इसको हम शो करेंगे जी वाई से। ये किसके बराबर होगा, टेंजाइल स्ट्रेस ओवर कौन सा स्ट्रेन, टेंजाइल स्ट्रेन आ जाएगा, एल एल ओवर एल, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना आपने, बस यंग्स है तो पहले वाला हमने पढ़ा था टेंजाइल, बल्क है तो बल्क में चूंकि बल्क की चीज होल एज अ होल आ जाता है, तो बी ये आ जाएगा आपके पास एफ ओवर ए ओवर, ये आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ओवर वी, और थर्ड है शेयर, तो ये जी से आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ओवर ए ओवर टेन थीटा। तो ये हमने टेन थीटा डेल वी, और ये पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू में पढ़े, तो अगर आप इसे देखें तो ये आ जाएगा आपके पास एफ इंटू एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल, ये आ जाएगा आपके पास बी इज इक्वल टू एफ इंटू वी ओवर ए इंटू डेल्टा वी, और जी आ जाएगा एफ ओवर ए इंटू टेन थीटा, यही बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, चूंकि ये तीनों मॉडुलस हैं तो इनके वही यूनिट होंगे जो मॉडुलस के, और मॉडुलस के यूनिट कौन से होते हैं, स्ट्रेस के, तो इसका मतलब है स्ट्रेस के यूनिट क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है इन तीनों के यूनिट भी क्या होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका थ्री। तो ये आज शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चन है और बड़े आसान क्वेश्चन है और मुफ्त के नंबर देते हैं ये। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लें जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर, हमें पीछे जा रहे थे यार। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें कहता है ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर आर डक्टाइल मटेरियल एंड देन डिफाइन द टर्म इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट एंड अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस, ठीक है। तीन टर्म्स हमसे वो पूछता है, सबसे पहले तो वो कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक आपने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो क्या था कि मैंने एक ना मेटल की वायर ली, उस वायर के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, जैसे रबड़ है तो रबड़ को मैं से खींचूंगा तो वो बड़ी होना शुरू हो जाएगी ना, तो चूंकि लेंथ में चेंज आता तो मुझे पता है इसे कहते हैं टेंजाइल स्ट्रेन, ठीक है। अब मुझे पता है मैं तार को इतना खींच नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, एक मशीन में इधर तार का एक सिरा लगा दिया, इधर एक तीसरा सिरा लगा दिया, उस मशीन ने तार को खींचा, तो जाहिर सी बात है मशीन में पावर ज़्यादा है तो तार थोड़ी स्ट्रेच हो गई, जब वो स्ट्रेच हुई तो वो जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो हमें पता है कि वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, टेंजाइल स्ट्रेन। तो इसलिए जो ये वाला बिहेवियर होता है लेंथ में ऐसे ना, इसको कहते हैं डक्टिलिटी, तो इसलिए डक्टाइल मटेरियल हो गया। तो अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनी कैसे थी, ये कुछ यूं बनी थी, ठीक है जी, ये कुछ यूं बनी थी। अब इसके अंदर ये कर्व कुछ यूं चल रही थी, यूं करके। अब इस कर्व में यहां तक थी प्रोपोर्शनल लिमिट, यहां पर थी इलास्टिक लिमिट, यहां पर थी आपके पास यूटीएस, और यहाँ पर थी फ्रैक्चर लिमिट, ठीक है। तो ये कर्व कुछ यूं थी, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेन था और इधर था स्ट्रेस, ठीक है। तो इस कर्व के अंदर आपने बताना है तीन चीज़ें, सबसे पहली चीज़ आपके पास जो हमसे पूछी गई है वो है जी, सबसे पहली चीज़ है जी इलास्टिक लिमिट, दूसरी चीज़ है जी यील्ड लिमिट, और तीसरी चीज़ है जी आपके पास अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस यूटीएस, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ है इलास्टिक लिमिट, तो ये वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की लिमिट है जो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, और जैसे स्ट्रेस को रिमूव करेंगे बॉडी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट से ऊपर तक ये पॉइंट जो है, इसको मैं इधर नाम दे देता हूँ ए वी और सी और डी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम भी वही नाम दे लेते हैं ए वी सी और डी।
तो ये पॉइंट हो, ओरिजिन से बी तक जो है ये इलास्टिक लिमिट है। इस लिमिट के अंदर जैसे ही आप स्ट्रेस को रिमूव करोगे बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगी। तो हम इसको कहेंगे कि बॉडी कहाँ पर थी, अपनी इलास्टिक लिमिट में थी। नेक्स्ट है यील्ड लिमिट। यील्ड लिमिट क्या है कि यहाँ पर बॉडी इस लिमिट से जब हम आगे जाते हैं तो बॉडी एक नई नई पक्की पक्की नई शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम इस बिहेवियर को बोलते हैं इधर प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब नई शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है और जहाँ तक वो कन्वर्ट हुई रहती है वो उसकी होती है यील्ड लिमिट, जैसे कि सी तक है। और जैसे ही हम इससे आगे क्रॉस करते हैं UTS आ जाता है, ये सी पॉइंट। UTS क्या होगा कि जैसे ही हम इससे आगे क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेस जो कि वो बर्दाश्त कर सकती है, जैसे ही हम उसको तोड़ेंगे तो जैसे उससे हम आगे क्रॉस करते हैं इस पॉइंट सी से, जैसे आगे क्रॉस करेंगे बॉडी फ्रैक्चर लिमिट पर पहुंचती है और आप देखेंगे वो चीज़ टूट जाती है, तो वो फ्रैक्चर लिमिट आ जाएगी। तो UTS क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो बर्दाश्त कर सकती है वो आपके पास क्या होगा, UTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, समझ भी आ रही है कि नहीं समझ आ रही, शॉर्ट से क्वेश्चन है इसलिए शॉर्ट वे में पढ़ा रहा हूँ, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी एंड हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बताना है स्ट्रेन एनर्जी। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इतना खास कोई आता नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी क्या है कि देखो आपने अपने दोस्तों के साथ तो किया होगा ना, रबड़ खींच के उसके पास मारते तो उसके ऊपर जाकर लगती है, जोर करता तो सेम वही चीज़ इधर है कि क्या है कि आपके पास जो मटेरियल होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी होती है, आपने स्केल के साथ भी कहा स्केल बैंड करके रख के ऐसे मारते उसके उधर लगता है जाके, तो जब आप किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए, तो जब वो वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल की तरफ आता है रिफॉर्म होता है तो वो क्या करता है उसी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जब आपने उसके ऊपर जब उसको बैंड कर रहे थे फोर्स लगा कर किया था तो वर्क जो किया था वो उसके अंदर एनर्जी की शक्ल में स्टोर होता है, वो एनर्जी क्या कहलाती है उसकी स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है जी, अब इसका ग्राफ कुछ यूं था, इधर फोर्स थी इधर आपके पास लेंथ थी, चूंकि टेंजाइल वाली है तो इसका ग्राफ कुछ हम आपके पास ना यूं चल रहा था ए ऐसे करके। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर आपने क्या करना है कि इसके छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। तो अब आपको पता है कि जो वर्क है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इधर जो वर्क होगा वही आपके पास एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं वर्क को इधर कह लेता हूँ जी एनर्जी, जो स्ट्रेन एनर्जी, और वो किसके बराबर हो जाएगी, चूंकि अंडर दी कर्व लेना तो हाफ इंटू एफ वन इंटू एल वन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा एल वन, ये तो एल चलता जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है वो होगी एफ वन। ठीक है, तो जब आप इसकी फाइनल डेरिवेशन की तरफ जाते थे तो आपके पास फार्मूला बना था ई ए एल आई स्क्वायर ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ये चेंज इन लेंथ था। ठीक है, तो ये फाइनल डेरिवेशन आपकी बनी थी, तो ये एनर्जी की वैल्यू होगी, इसमें जो एल है ये ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ है, ए इज़ द एरिया ऑफ दैट मटीरियल एंड ई इज़ द इलास्टिक सिटी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, जैसे आप पुट करेंगे आपके पास वर्क आएगा और वही वर्क उसमें किस शक्ल में स्टोर हुआ होगा, एनर्जी की शक्ल में। तो शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में आपने बताना है इसे। लेक्चर आई थिंक काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको सारे क्वेश्चन करवा दूँ इसी लेक्चर में। अगर लेक्चर ज़्यादा बोर हो रहा है तो इसे पास करो, पानी शानी पियो, दिमाग फ्रेश करो, अब मुँह पे छीटे छीटे मारो, छीटे छीटे मार के आके दोबारा देख लो, नहीं अभी भी दिल कर रहा तो लेक्चर क्लोज करो, मस्त सो जाओ, थोड़ी देर बाद देख लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंगस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, वो कहता है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। ठीक है, तो इधर मैं नाम दे लेता हूँ इसका जी, एनर्जी बैंड्स। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि डिफरेंट मटेरियल्स में जो एनर्जी बैंड्स हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये एक थ्योरी है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं, थ्योरी है। इसके मुताबिक क्या है कि ये एक थ्योरी है, ये क्या कहती है कि ये ऐसा हो सकता है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि आपके पास ना ये मटीरियल है, जैसे बल्कि मैं इधर मटीरियल का नाम लिखता हूँ, जैसे आपके पास कॉपर है, ठीक है, और इधर आपके पास है जी रबड़, तो
तो मैं आपको पूछूंगा यार करंट किस में से गुजरा, आपको सर कॉपर से गुजरेगा। मैंने कहा रबड़ से आपको कैसा नहीं गुजरेगा, मैंने कहा वो क्यों नहीं गुजरा, आपको सर जो कॉपर है वो अच्छा कंडक्टर है और रबड़ एक बुरा कंडक्टर है। मैंने कहा बुरे कंडक्टर को क्या बोलते हैं, आप कहते हैं सर इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुरे कंडक्टर को इंसुलेटर, कॉपर अच्छा कंडक्टर है। अब ये है तो दोनों सॉलिड, तो हम चूंकि फिजिक्स ऑफ सॉलिड देख रहे हैं तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब होता क्या है कि कॉपर जो है इसके एटम्स कुछ इस तरह एक दूसरे के अंदर ऐसे बाउंड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कि इनके अंदर किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है और किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाती है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी सी आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, रबड़ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर फुल हो जाते हैं और एक जगह पर होते ही नहीं है, और इसी वजह से एक नई किस्म का कंडक्टर भी एक मटीरियल बन गया जिसका नाम हमने रख दिया सेमी कंडक्टर। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर ना कुछ इस तरह की पट्टियाँ बन जाती हैं जिसको हम बोलते हैं जी बैंड्स। ठीक है, इधर हम बनाते हैं जी, इधर बल्कि मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ इस बैंड को। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हमारे पास बन जाते हैं जी बैंड। अब ये बैंड क्या होते हैं कि इसके अंदर ना आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरह एक दूसरे के अंदर एडजस्टमेंट लेते हैं कि वो एक पूरी पट्टी सी बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम उसको बोलते हैं आखिरी शेल के, तो उनको बोलते हैं वी बी, वी बी मीन वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर चूंकि जगह खाली होती है तो वो वाले इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, यानी कि वो फ्री ऐसे हो जाते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ यार मैं आपको रस्सी से बांध के एक जगह पर बिठा दूँ, तो मैं कहूँ यार वहाँ से ईंट उठा के मुझे इधर ला दो, सर मैं तो बंदा हूँ मैं जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं यार तेरी रस्सी मैं इतनी के फ्री कर देता हूँ वहाँ से उठाकर ईंट ला के इधर रख रहे, तो कहा जी सर ऐसे हो सकता है। मैंने कहा फिर, उसने कहा सर यही वो कंडक्शन बैंड वाले होंगे, जो होंगे तो एटम से एटम के बंदे, लेकिन क्या होंगे फ्री किस्म के होंगे, वो जाएंगे एनर्जी पकड़ेंगे उठा के इधर लाएंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। तो इसके अंदर जो रहने वाले होते हैं वो होते हैं जी जो ये बैंड होता है वो होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की किस्म होती है जो इधर बैठी होती है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमारे पास तीन किस्म के मटेरियल बन गए, एक बन गया जी कंडक्टर्स, फिर हमारे पास आ जाता है जी इंसुलेटर्स, और थर्ड पे आ जाता है जी सेमी कंडक्टर्स। ठीक है जी, जो आपकी बुक में, इसके अलावा और भी है लेकिन हमारे पास इधर तीन है, कंडक्टर्स, ओहो कंडक्टर्स, और उसके बाद आपके पास है जी इंसुलेटर, और थर्ड पे आपके पास है जी सेमीकंडक्टर। अब एनर्जी बैंड थ्योरी पे हमने इनको एक्सप्लेन करना है। कंडक्टर्स में कुछ ये चीज़ होती है जी, ये अगर इनका ग्राफ है तो इसके अंदर बैंड कुछ ये है, बैंड वैलेंस बैंड मिला पड़ा होता है किसके साथ, कंडक्शन बैंड के साथ, यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर और इधर से इजीली इधर आ सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन टोटली फ्री हैं, तो इसलिए इनके अंदर बहुत अच्छी तरह से कंडक्शन होती है। ठीक है, तो ये होते हैं कंडक्शन बैंड। इनके अंदर दरमियान में जो पीछे गैप था उसका नाम है जी एनर्जी गैप। तो इधर क्या है, इधर नो एनर्जी गैप है, इधर किसी किस्म का एनर्जी गैप नहीं होता यार। अच्छा, अब इधर आ जाए इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या चीज़ होती है, इंसुलेटर में ये कंडक्शन बैंड और ये सॉरी वैलेंस बैंड होता है, और ये आपका होता है कंडक्शन बैंड, और इनके दरमियान में एनर्जी गैप होता है। कितना होता है आपको पता है, एनर्जी होती है ना तो सेवरल एनर्जी जाउल में होते हैं, लेकिन हम इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, सेकेंडरी में मोस्टली हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी चाहिए कि वो इधर जाए। अब इतनी एनर्जी होती नहीं है, जब मिलती नहीं है तो वो इधर जाते नहीं, जब इधर जाते नहीं तो वो रस्सी बांध के बैठा हुआ है ना, वो इधर आ सकता है ना इधर, यानी कि एनर्जी इंटरचेंज नहीं कर सकता, तो ये आ जाते हैं इंसुलेटर। तीसरे होते हैं इनके इंटरमीडिएट, वो क्या होते हैं, वो यूं होते हैं। ठीक है, वो यूं होते हैं कुछ, कंडक्शन बैंड और इधर आ जाता है जी वैलेंस बैंड। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप होता है जी लेस देन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.5 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होता है, यानी कि हल्की सी एनर्जी लेकर ये किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। जब चले गए फ्री हो गए तो एनर्जी ला जा सकते हैं, तो ये इंसुलेटर भी होते हैं और कंडक्टर भी होते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो सारे चुप करके वैलेंस बैंड में रहेंगे, तो ये इंसुलेटर टाइप बिहेवियर देंगे, और अगर एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में चलेंगे, कंडक्टर जैसा बिहेवियर देंगे, तो ये आपके पास कौन से आ जाएंगे, सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो हमने बस यही बताना था, तो ये हमने इधर एक्सप्लेन कर दिया आगे। अच्छा, इनकी एग्जांपल मैंने बताई है कॉपर, ठीक है आयरन, फिर इधर रबड़ वगैरह आ जाती है, ये प्लास्टिक की चीज़ें आ जाती हैं, और इधर हमारे पास आ जाती हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो ये हमारे पास आ जाते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर
सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में जनाब हमसे डिमांड कर रहे हैं डिस्टिंग्स बिटवीन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ वुड यू ऑब्टेन एन टाइप एंड पी टाइप फ्रॉम प्योर सिलिकॉन, इलस्ट्रेटेड बाय डायग्राम। तो पहले मैं क्वेश्चन इसी का पार्ट भी हल करता हूँ, यानी कि एन टाइप एंड पी टाइप, आगे इन दोनों के साथ वर्ड है जी सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। अब ये बनते कैसे सेमी कंडक्टर, तो हमारे पास दो किस्म के कंडक्टर होते हैं, ये सेमी कंडक्टर की दो टाइप है, ठीक है। वो एक होती है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मीन कुदरती, अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से जो फिक्स चीज़ है जो बनी बनाई आई है, यानी कि हम मैं इधर नाम दूंगा प्योर फॉर्म, यानी कि कोई भी सेमी कंडक्टर अपनी प्योर फॉर्म में। अब सेमी कंडक्टर में कौन कौन से थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर ये प्योर फॉर्म में आपको मिल जाते हैं तो ये होंगे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। लेकिन अगर इसके अंदर आप क्या कर दो, मिक्सिंग कर दो, इस मिक्सिंग के प्रोसेस को हम इधर क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक नई शक्ल में कन्वर्ट होता है जिससे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि क्या बन जाता है ये, इम्प्योर। समझ आ गई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की। अब जब हम मिलावट करते हैं तो मिलावट दो तरीके से की जाती है, एक तरीके से ये बनते हैं पी टाइप के और एक तरीके से बनते हैं ये एन टाइप के। अब ये खुद कौन से ग्रुप के हैं, ये फोर्थ ए से हैं, यानी कि इनके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, फोर आखिरी शेल में, ठीक है। तो पी टाइप वाले कब बनेंगे, जब इनको इनके अंदर मिलावट किसी थर्ड वाले से की जाएगी, थर्ड ए से। अब थर्ड ए में कौन है, ब्रोन और एल्युमिनियम। जब हम इनके साथ इनकी मिलावट करते हैं जो नई किस्म के बनते हैं सेमी कंडक्टर, तो हम इनको बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। और इनके अंदर जो मेजोरिटी होती है वो होती है होल्स की। होल्स क्या है कि जैसे इधर एक बेंच खाली पड़ा है तो इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं है, तो लेकिन अगर इसके ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कोई चार्ज नहीं है। तो होल ऐसे होते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव की तरह कंसिडर तो करते हैं लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते, तो ये आपके पास आ जाएंगे होल्स, ठीक है। और एन टाइप कैसे बनेंगे, जब हम इससे अगले से करेंगे, इससे अगला कौन सा होता है जी, फाइव ए। फाइव ए में कौन कौन है जी आपके पास, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। तो नाइट्रोजन या फास्फोरस, एन नहीं कह रहा हूँ, निकल बन गया एन, फास्फोरस। तो जब हम इनसे करते हैं तो फिर जो बनते हैं पी, सॉरी होता है आई थिंक इसका सिंबल पी एस नहीं पी, ठीक है। तो जब हम इनसे करते हैं तो क्या होता क्या है कि इनके पास पांच है, इसके पास चार है, इधर कमी हुई तो ये पी टाइप बन गया, इधर ज्यादती हुई तो ये बन जाते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो इधर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होती है, उधर होल की। तो ये आपके पास आ जाते हैं जी एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाए जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्वेश्चन नंबर एट में। अरे यार रुको जरा, छबर करो। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट काफ़ी लेंथी हो गया यार इसके सवाल। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन अ प्योर सेमी कंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर। तो ये आपके पास सेमी कंडक्टर है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर एट ए टाइम दोनों चीज़ें होती हैं, होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। कौन कौन होते हैं, होल्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको इसी चैप्टर में टॉपिक है आगे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक से आगे वाले चैप्टर में, ठीक है, उधर आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल अगला टॉपिक है। अब होता क्या है कि जब हम इसको बैटरी को कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब हम करेंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये ऐसे हैं कि जैसे कि ये आपके पास टायर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इन टायर्स के अंदर आपके पास ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आपके पास ये फुटबॉल पड़े हुए हैं, लेकिन पहला टायर खाली है। तो अब क्या होगा, जब मैं उस टायर को इधर लाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा कि इधर से ये इधर चला जाएगा तो ये टायर खाली हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा ये फिल हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा ये फिल हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो इस तरह करते करते होल्स इस तरफ आ रहे हैं, यानी कि होल इस तरफ आ रहा है, खाली जगह सीट जिसका नाम रखा था, तो अल्टीमेटली ये खाली जगह बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। तो होगा क्या कि होल्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे नेगेटिव की तरफ, हालांकि वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो होल को खुद ब खुद मजबूरन इधर आना पड़ रहा है। तो दोनों की जो प्रोपागेशन है वो एक दूसरे के क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो यही बस आपने एक्सप्लेन करना था, शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसको ईजिली हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाए जल्दी से जल्दी से, कितने रह गए, ओए होए होए। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर पे एक नोट लिखते हैं, नोट बस आपने ना इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देना, इसकी कंडक्टर,
ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी मटेरियल है तो ये मटेरियल बना है एटम से, तो इसके अंदर से जैसे ही करंट गुजरता है, करंट मीन चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, तो होता क्या है कि इधर ये लेके जाता है लेट्स सपोज 10 जूल की एनर्जी, तो जब ये इधर से निकलता है तो 9.5 जूल की। मैंने कहा भाई 0.5 जूल की एनर्जी कहाँ गई? वो कहता सर बड़ी ठुड्डे लते मुक्के को सुनने पड़े। मैंने कहा वो क्यों? कहता सर इधर से पार्टिकल्स एटम्स, क्योंकि इनसे बल के मिला। तो कहता जब मैं ऐसे जा रहा था तो मेरी टक्कर कभी इससे हुई, कभी इससे हुई, कभी इससे हुई, जब हुई तो मेरी एनर्जी डेसिपेट होगी, और मेरी एनर्जी डेसिपेट होने की वजह से मैं इधर आया। मैंने कहा यार ये जो पंगे तेरे से कर रहा है मुझे उनका नाम बता। कहता सर उनको हम फिजिक्स में रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते सर उसका एक और नाम भी है, दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एक और नाम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये रेजिस्टिविटी है जो तुझे तंग करता है। कहता जी सर। कहता सर कोई ऐसा मटेरियल लाओ जिसमें रेजिस्टिविटी ना हो, ऐसा मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो, जीरो, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी हो, जीरो। ऐसे कंडक्टर्स का नाम क्या होता है? सुपर कंडक्टर। होता क्या है कि ये होते तो ये भी पंगेबाज हैं, लेकिन होता क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पर जाकर इनकी रेजिस्टिविटी किस पे गिर जाती है, बिल्कुल जीरो पे। ये टेम्परेचर कराता है इनका क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये होती है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, क्या लो वहाँ पर इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, जिसमें हमारे पास एक मरकरी है। मरकरी का जो है ये है जी 4.2 केल्विन, यानी कि 4.2 केल्विन बहुत छोटा टेम्परेचर है, वहाँ पर जाकर मरकरी क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। कहाँ पर यूज होते हैं? मैग्नेटिकल एविएशन ट्रेन पर, ये जो हम कहते हैं बुलेट ट्रेन टाइप ये चीज़, या MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसके अंदर ये यूज़ होते हैं। ठीक है जी, तो ये शॉर्ट में आपने बता देना। या फास्ट कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं जिसमें अल्ट्रा सुपर कंप्यूटर जिन्हें हम बोलते हैं, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 10 पे, दो क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी कर लो अगर अभी भी प्यास लगी है या नींद आ रही है तो जाओ वीडियो पास करो और मुंह पे छींटे मार के आ जाओ। दो क्वेश्चन रह गए फिर छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मेंट बाय पैरा डायाफेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव एग्जांपल फॉर ईच। अच्छा जी, तीन किस्म के हमारे पास सब्सटेंसेस है जी, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, और तीसरा फेरो मैग्नेटिक। सबसे पहले बताता हूँ कि ये क्या हमसे क्या कहना चाह रहा है। हमसे सबसे पहले वो ये बताना चाह रहा है, किधर गया ये पैरा मैग्नेटिक, हाँ ये रहा। सबसे पहले वो हमने जो बताना चाह रहा है वो कह रहा है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या चीज़ है, पैरा फेरा डायाशा, ये क्या चीज़ है। हमारे पास होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे लोहा है वो चिपक जाता है किसको, मैग्नेट को, तांबा नहीं चिपकता, ठीक है, ऐसे हम चेक भी करते हैं, ठीक है, कॉपर शॉपर नहीं चिपकता। तो कुछ सब्सटेंसेस चिपक जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, और कुछ माइन्यूट सा चिपकते हैं, चिपकते भी हैं नहीं भी चिपकते। तो जिनके अंदर मिलावट होती है, वो होता मिलावट नहीं है, वो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो अच्छा खासा चिपकते हैं और कुछ अच्छा खासा मैग्नेट को नहीं चिपकते। जो फुल स्ट्रांगली चिपकते हैं, मैग्नेट से प्यार करते हैं, वो फेरो है। जो प्यार नहीं करते वो डाया है। जो प्यार करते हैं पर थोड़ा घर से डरते हैं लेकिन मोहब्बत करते हैं, वो है जी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये तीन है पैरामैग्नेटिक, जिनके अंदर बिहेवियर होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा वो करें। अब होता है क्या कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, सॉलिड्स हैं एटम से मिलकर, इनके अंदर क्या होता है कि एटम के अंदर चार्जेस कुछ इस तरह अरेंज करते हैं एक दूसरे को, कोई एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर चार्ज पार्टिकल जब हरकत करता है तो चैप्टर नंबर 14 के मुताबिक उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो फील्ड दूसरी फील्ड को अगर सपोर्ट करेगी हल्की हल्की, कुछ जगह कैंसिल करती है कुछ जगह सपोर्ट, तो यानी कि टोटल जो नेट फील्ड बनती है वो माइन्यूट सी हल्की फुल्की इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये होते हैं जी आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके अंदर एग्जाम्पल है जी आपके पास प्लैटिनियम, ठीक है, और मैग्नीशियम आई थिंक, और MB मोलिब्डेनियम। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, पैरा की। डाया के अंदर आपके पास आ जाता है जी वाटर, एंटीमनी। तो ये वो हैं जो बिल्कुल भी मोहब्बत प्यार नहीं करते मैग्नेट से, वो कहते भाई अब्बा नहीं मानेंगे अम्मा नहीं मानेगी, ये वो वाले हैं। और थर्ड वाले हैं जी आपके पास फेरो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके अंदर आपके पास है जी आयरन और निकल वगैरह, आयरन वो कहता है मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वो है, कहते मोहब्बत है तो डरना क्या, ये वो है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये वो आ जाएंगे। तो इनकी एग्जांपल देनी थी और इनकी डेफिनेशन लिख देना, ठीक है जी, शॉर्ट में लिखनी है आपने। तो लास्ट क्वेश्चन है, बस हो गया साथ आज। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय हिस्टैरिसीस लॉस एंड हाउ इट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या। तो लास्ट क्वेश्चन देख लें जी, किधर गया, क्या था, हिस्टैरिसीस लॉस।
हिस्टैरिसिस देख लें पहले। हिस्टैरिसिस क्या होती है? हिस्टैरिसिस होती है कि अगर जो चीज़ आपको पैदा कर रही है आप उससे पीछे चलो और वो आगे चलती जाए, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसिस। होती क्या है, ये कुछ यूं होती है, इधर होता है एच, इधर होता है बी, ठीक है। एच क्या है कि जैसे अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मैं अगर कोई चीज़ है जैसे कि लोहे की तार है उसको रखूँ तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। डोमेन्स अरेंज होना शुरू होती है, ये मैं डोमेन का ऐसे वर्ड छाप देना बस, तो डोमेन अरेंज होना शुरू हो जाती है। तो जिन्होंने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा ये डोमेन्स क्या चीज़ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए बता देता हूँ कि छोटे छोटे इलाके होते हैं जिनमें मैग्नेट एक दूसरे को बना लेते हैं, एक किस्म का मैग्नेट छोटा छोटा बन जाता है उस मटेरियल में। तो क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब एक्सटर्नल फील्ड को रिवर्स में अप्लाई करेंगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसकी कुछ यहाँ से ऐसे कर्व बनती है, ये कर्व मुझे ऐसे करके बनती है, ठीक है। ये कुछ यहाँ से यूं थी, ठीक है, ये यूं करके कर्व बनती है। यहाँ पर हमारे पास रिटेंटिविटी होता है, यहाँ पर कोरेसिविटी प्राइम, रिटेंटिविटी प्राइम, तो ये होता है, ये अप्लाइड है। अब देखो इसमें ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसिस। हिस्टैरिसिस लॉस क्या है कि जब भी आप किसी मटेरियल को क्या करते हो, मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज, तो जब आप किसी चीज़ को मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर, किस चीज़ को ऊपर ला रहे हो नीचे रख रहे हो, ऊपर ला रहे हो नीचे रख रहे हो, तो इस चक्कर के अंदर देखो आप एनर्जी दे रहे हो एनर्जी ले रहे हो, एनर्जी दे रहे हो एनर्जी ले रहे हो, देते हुए आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, लेते हुए वो वैसे ज़ाया कर रहा है, तो आपकी एनर्जी इधर भी ज़ाया हो रही है इधर भी ज़ाया हो रही है। यानी कि किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते वक्त उसकी जो एनर्जी ज़ाया होती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसिस लॉस, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो मेन चीज़ है ना अपनी फिजिक्स में, तो ये ज़ाया हो रही है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हिस्टैरिसिस लॉस। अब ये ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में कैसे जरूरी होती है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर कुछ यूं होता है, दो कॉयल्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो मटीरियल है जिसके ऊपर हम ये कॉयल लपेटते हैं, अब उस मटीरियल के अंदर अगर वो मटीरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बार बार हो रहा है तो इसका मतलब है हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही है। अब हमने वो मटीरियल सेलेक्ट करना है, वो मटीरियल कैसे सेलेक्ट करना है कि जिसकी ये कर्व, ये जो कर्व है ये हिस्टैरिसिस लॉस है, जिसकी कर्व पतली सी बने। अगर कर्व पतली बनेगी तो मैग्नेटाइज करने में भी कम एनर्जी लगेगी और डीमैग्नेटाइज कम करने में भी कम एनर्जी लगेगी, तो कर्व पतली बनेगी तो एनर्जी का लॉस कम होगा, और जिसकी कर्व ये चौड़ी बनेगी अच्छी खासी खुली कर्व बनेगी तो वहाँ पर मैग्नेटाइज करने में भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, डीमैग्नेटाइज करने में भी एनर्जी लगेगी। तो ट्रांसफार्मर बनाते वक्त हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने वो मटीरियल उसके ऊपर ये कॉयलों को वाउंड करना है जिसके अंदर हमारा हिस्टैरिसिस लॉस कम हो, यानी कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का जो लॉस है वो हमारा कम है। तो इस तरह ये ट्रांसफार्मर बनाने के काम आ जाते हैं। ये थे आपके चैप्टर नंबर 17 के 11 शॉर्ट क्वेश्चन, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर देना भाई, और कोई सवाल है तो वो पूछ लेना, ठीक है जी। खुदा हाफिज़।